असलमेकम दिस इज़ डॉक्टर साममा गजल एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वट इज स्टेटस्टिक्स वाइट इज इम्पॉर्टेंट इन साइकोलॉजी और हमें uh, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है uh, सैकोलॉजी के अंदर स्टेटस्टिक्स तो ट्रडिशनल अप्रोच स्टेटस्टिक्स को पढ़ाने की जो है एट एनी अंडर ग्रेजुएट लेवल इवन वो मैनुअल है कि हम मैनुअली सारी स्टैटस्टिक्स की कैलकुलेशन करते हैं लेकिन आई पर्सनली सपोर्ट यूज़ ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स क्योंकि अब इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इतने सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं uh, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें स्टिक्स um, को इजी वे में एफिशिएंट वे में समझने का और करने का भी तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टेटिस्टिक्स ओवर लास्ट फिफ्टीन सेवनटीन ईयर्स इन वट आई लर्न दैट वेन वी यूज़ सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स हेटेड स्टेटिस्टिक्स लेसर क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ कोर्स दे स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड दे नीड टू लर्न जस्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड एनी नंबर्स और फार्मूलाज और टेस्ट लेकिन जब हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं और हमारे पास इस तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारी जॉब को इजी कर सकते हैं तो हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए सो आई विल ट्राई माय बेस्ट क्योंकि हमारा गोल ये है इस कोर्स का कि आई टीच यू स्टेटिस्टिक्स एंड द बेसिक कॉन्प्ट एंड द बेसिक टेस्ट यूज इन स्टेटिस्टिक्स सो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन इन द रियल एक्जिकल वर्ल्ड और हम किसी भी तरह का क्वेश्चन या किसी भी तरह का हमारा uh, जो क्वेरी है रियल uh, लाइफ के अंदर हम उनको नंबर्स के साथ सॉर्ट आउट करके उसका आंसर ले सकें तो आई विल भी यूजिंग एस पी एस एस सॉफ्टवेयर एज अल्पिंग एड और tool to teach you statistics so you and me both feel comfortable and by the end of the course hamari learning jo hai wo behtareen ho SPSS वैसे इट्स क्वाइट नोन सोशल साइंसेज के अंदर और काफी पुराना है अभी इसका 27th वर्जन आ चुका है और इसमें अभी हम जो अभी एनालिसिस करेंगे वी विल बी यूजिंग मे बी 21st वर्जन है इसका SPSS का जो हम यूज करेंगे एस पी एस एस के ऊपर बहुत सी अच्छी किताबें हैं जो मेरी फेवरेट uh, किताब है डिस्कवरिंग स्टिस्टिक्स यूजिंग एस पी एस एस विच इज़ बाई एंडी फील्ड एंड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉगली रिकमेंडेड बुक्स लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा है बट वो एंडी फील्ड एक्सप्लेन यू यू नो इन अ वेरी ईजी वे इन अ वेरी एलेबरेटिव वे लेकिन अगर आपने जस्ट uh, बहुत ही क्विक आपको रेसिपी चाहिए तो एस पी एस एस सर्वाइवल मैनुअल भी बहुत ज़बरदस्त है जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो आपको um, बताता है कि कैसे हम डेटा को एनालाइज करेंगे हमारे इस मॉड्यूल में um, हम एस पी एस एस के साथ हैंड्स ऑन इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आगे जब हम जाके स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे तो वी विल बी यूजिंग मैनुअल एज़ वेल एज एस पी एस एस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स तो लेट्स एस पी एस एस में आई एम श्योर के मजोरिटी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस सॉफ्टवेयर लेकिन फिर भी अगर हम इसको डिफाइन करें तो एस पी एस एस एक फॉर विंडोज़ है एंड इट्स अ पॉपुलर कम्प्रीहसि डेटा एनालिसिस जो कि डिज़ाइन हुआ हुआ है कंटेनिंग मल्टीट्यूड ऑफ फीचर्स डिज़ाइन टू फैसिलिटेट कम्प्लीटिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ स्टेटिस्टिकल अनालिसिस अभी जो उसका बल्कि वर्जन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन्थ वर्जन आया इसमें उन्होंने बहुत से एडिशनल एडिटिव फीचर्स डाले हैं एनालिसिस uh, के लिए लेकिन वी स्टिक टू वर्जन ट्वेंटी फर्स्ट सो इट वॉज डिवेलप्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा इन द सोशल साइंसिस और एस पी एस एस स्टैंड किस लिए करता है एस पी एस एस इट्स अटेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसिस हाउ एस पी एस एस लुक्स लाइक इट्स अ Uh, always have a two dimensional table structure where the rows typically represent the subjects or the individuals, whereas columns represents our variables. Let's have a look on how SPSS looks like. If you open an SPSS, so usually is ka ye rows or columns ka ek tabular form. Mein sheet hai. SPSS is really magical. और इट यू नो गिव यू द आंसर्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन नो टाइम जस्ट लाइक कैलकुलेटर्स और बहुत से इसके ज़बरदस्त फीचर्स हैं हम आज ओरिएंट करेंगे अपने आप को एसपीएसएस पी के साथ और फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि हम कौन से एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं एसपीएसएस एस के अंदर मेनली हमारे पास नीचे एक हमारा होता है डेटा व्यू और एक हमारा होता है वेरिएबल व्यू ये हमारा डेटा व्यू है और ये हमारा वेरिएबल व्यू है लेट्स टॉक वन बाय वन के इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास ऊपर अगर आप देखें तो सारे ये मैन्यूज़ हैं और इसके ड्रॉप डाउन आप अगर हर एक को क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत से फ़ीचर्स हैं इसको हम वन बाय वन लर्न करेंगे लेकिन आज हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे वी विल गेट मोर डिटेल वंस वी एंटर द डेटा एंड एक्चुअली यू नो रन सम एनालिसिस सो इसके अंदर हमारे पास अगर हम डेटा व्यू में जाएँ तो हमारे पास डेटा एंट्री के लिए ऑप्शन है पर्स करें यहाँ पे मैंने अगर डेटा डालना है आई कैन एंटर टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट और इसको अब मैंने अगर नाम देना है तो आई हैव टू गो टू वेरिएबल व्यू या फिर मैं इसको क्लिक करके भी जा सकती हूँ तो ये मेरा एक वेरिएबल व्यू आ गया है इसके अंदर हम अपने सारे वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वेरिएबल वन है इसको मैं जब क्लिक करूँगी तो आई कैन टाइप इन नेम ऑफ द वेरिएबल मसलन ये मेरा है आई डी नंबर है स्टूडेंट्स का Uh, या फिर मे बी उनका रोल नंबर है या फिर मे बी कोई भी आप वेरिएबल ले लें टेस्ट स्कोर्स हैं टेस्ट स्कोर्स कर देती हूँ मोस्टली बाई डिफॉल्ट इसमें जो वेरिएबल नेम है आप जब टाइप करते हैं तो उसमें वो स्पेस नहीं लेता उसमें करेक्टर्स नहीं लेता और उसमें आप यूजली आठ करेक्टर्स तक टाइप कर सकते हैं लेकिन अब इसके जो फीचर्स हैं वो आप उसको सेट कर सकते हैं टू यू नो लॉन्गर लेवल तक उसके बाद अगले कॉलम में आपने डिफाइन करना हो तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि स्टेटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ नंबर इट्स अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग द डेटा अंडरस्टैंडिंग द डेटा इन गेटिंग आंसर फ्रॉम द डेटा तो एस पी एस एस बी विल ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नंबर्स के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं यानी हम अगर एस पी एस एस को बताएंगे कि ये नंबर्स कैटेगोरिकल हैं इन नंबर्स की कोांटिटेटिव वैल्यू है और इन नंबर्स की कोांटिटेटिव वैल्यू नहीं है बल्कि दे आर जस्ट टू तो आइडेंटिफाई सर्टन कैटेगरीज इसी तरह आपने इसके अंदर बताना है टाइप के अंदर कि किस तरह का वेरिएबल है इज इट अमेरिक और अ कॉमा और अ डॉट और स्ट्रिंग सो मोस्टली 90% परसेंट ऑफ द टाइम हम नुमैरिक के ऊपर ही क्लिक करते हैं क्योंकि हम डेटा एंटर करते हैं इस शीट के अंदर लेकिन समारे बहुत से वेरिएबल ऐसे हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर उनको कलेक्ट करते हैं अब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है स्ट्रिंग वेरिएबल में मोस्टली हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं जैसा आपने फ़र्श करें ब्लड टाइप लेना है फैमिली टाइप लेना है आप बहुत से ऐसे वेरिएबल्स कलेक्ट करते हैं दो हम उनको बाद में एनालाइज करते हैं लेकिन वी वॉन्ट टू टाइप अल्फ़ाब्स एसपी एस के अंदर अगर आपने उसको नुमैरिक पे सेट कर दिया है तो वो इसमें किसी किस्म के भी लेटर्स नहीं लेगा बल्कि जस्ट नंबर्स लेगा लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर वेरिएबल रखेंगे तो स्ट्रिंग का मतलब है कि आप उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमरल्स और इस तरह के अल्फाबेट्स टाइप कर सकते हैं जैसा आप उसमें आपका आईडी नंबर आपका प्रोफेशन का टाइटल आपकी ब्लड ग्रुप्स आपके इस तरह के बहुत से वेरिएबल्स हैं विच नीड्स टू बी टाइप्ड इन लेटर्स रादर देन नंबर्स बट वी विल जस्ट टेक राइट नाउ ऑन द नोमरिक वन इसी तरह इसमें आप अगर डेट डालनी है तो आप डेट के ऊपर कर लेंगे कि ये वेरिएबल मेरा डेट एंड टाइम है सो so अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेंगे कि किस तरह का मेरा वेरिएबल है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल स्टिक द नोमरिक सो so, हमने उसको नोमेरिक कर दिया हुआ है और उसके बाद हमारे पास वर्थ है बाय डिफ़ॉल्ट वथ का मतलब है कि आपकी कितनी उसकी कॉलम uh, की वर्थ आएगी या कितने उसमें लेटर्स आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट आठ है लेकिन आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी चाहें फिर डेसिमल की ऑप्शन होती हैं अगर आपका कंटिन्यू स्केल के ऊपर डेटा है तो आप उसको डेफिनेटली डेसीमल वैल्यूज़ में देते हैं यूजली लेकिन अगर आप नहीं हैं तो वो आप उसको ज़ीरो भी कर सकते हैं मसलन मतलब अगर मेरा कोई होल नंबर्स का डेटा है तो आई कैन जस्ट यू नो डू इट जीरो लेकिन समटाइम्स डिफॉल्ट में इसके टू डेसिमल्स तक वैल्यूज आती हैं फिर लेबल की ऑप्शन होती है क्योंकि समटाइम्स मैं यहाँ पे पूरा वेरिएबल का नाम टाइप नहीं कर सकती क्योंकि आई टोल यू के इट टेक्स अ एट और टेन करेक्टर्स तो इसके अंदर हम लेबल में जितना लंबा चाहे नाम उस वेरिएबल का टाइप कर सकते हैं मसलन मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट असाइनमेंट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स तो हम उसको लेबल दे सकते हैं वेरिएबल का विच इज़ वेरी बेनिफिशियल क्योंकि समटाइम्स हमने यहाँ पे नाम बहुत छोटे दिए होते हैं मसला हम यहाँ पे दे देते हैं ई बी टी राइट लेकिन यहाँ पे हम उसको डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं कि वट आर ई बी टी स्टैंड फॉर उसके बाद लेबल के बाद हमारी वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली जब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल डालते हैं तो यहाँ पे हमें उसको बताना पड़ता है कि नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वट आर द लेबल्स फॉर ईच नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे जेंडर का वेरिएबल टाइप किया है यानी आई हैव अ जेंडर वेरिएबल और वो नोमरिक पे ही मैंने रखा है और उसका मैंने वैल्यूज देनी है तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी कि वन स्टैंड फॉर मेल एंड टू स्टैंड फॉर फीमेल सो अब कंप्यूटर याद रखेगा एसपीएस याद रखेगा कि वन और टू का मतलब क्या है राइट right? सो so, अब जब मैं एनालिसिस करूंगी तो वो मुझे आउटपुट फाइल में बताएगा कि आपका मेल और फीमेल का स्कोर्स पे क्या है इसी तरह जब हम डेटा लेते हैं लिकट स्केल के ऊपर स्ट्रांगली एग्री एग्री डिसग्री वहाँ पे भी हम लेबल में जाके वैल्यूज में जाके उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वन इज स्ट्रॉगली एग्री और फाइव इज स्ट्रॉगली डिस अग्री उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ का कॉलम होता है समटाइम्स जब हम कोई क्वेश्चन या रिस्पोंडेंट्स को देते हैं तो उस पर हर क्वेश्चन का हमारे पास आंसर नहीं आता बहुत से क्वेश्चन लोग अन्प्ट छोड़ देते हैं या अन आंसर्ड छोड़ देते हैं सो वट वी डू अगर हम यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को मैंशन नहीं करेंगे कि डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो मे बी जब वो मीन निकालेगा तो वो उसको जीरो कंसिडर करेगा सो एस पी एस एस में अगर आप इसको पहले से बता देंगे कि इस वेरिएबल में मिसिंग डेटा मौजूद है तो फ़र्ज़ करें अगर आपका दो तीन चार पाँच है वैल्यूज़ और एक वैल्यू मिसिंग है तो कंप्यूटर विल कंसिडर इट ज़ीरो अनटिल और अनलेस यू हैव स्पेसिफाइड कि देर आर मिसिंग वैल्यूज़ तो आप यहाँ पे डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज़ में कोई भी ऐसी वैल्यू डाल सकते हैं जो एक्चुअल डेटा के अंदर ना हो सो so, अगर मैं माइनस नाइन्टी नाइन डाल दूँ या माइनस सेवनटी सेवन डाल दूँ तो अब जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ या ब्लैंक कॉलम होगा जहाँ पर मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया तो एस पी एस एस विल नॉट टेक इट एज अ जीरो रादर इट विल टेक इट एज असिंग वैल्यू फ़ायदा क्या होगा कि आप वो जब मीन निकालेगा या एवरेज निकालेगा वो उन बाकी स्कोर्स में से निकालेगा और इसको मिसिंग कंसिडर करेगा राधर देन कंसिडरिंग इट एज अ जीरो इसी तरह कॉलम की वेट है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट एट और सेवन पे होती है इसको भी आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं अलाइनमेंट आप अपने वैल्यूज़ की राइट right लेफ्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे आपको अपने डेटा सेट के अंदर जाके डेटा व्यू में जाके चीज़ें नज़र आएंगी फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने राइट right किया हुआ है इसको मैं लेफ़्ट कर दूंगी तो आप देखेंगे कि वो वैल्यूज उस तरह से हो जाएंगी उसके बाद मेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमने लास्ट लेक्चर में स्केल्स ऑफ मेयरमेंट पढ़े थे और हमने बात की थी कि लेवल ऑफ मेयरमेंट कुड बी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशो यहाँ पे ये यह स्केल का मतलब इंटरवल रेशो है जिसका मतलब कि प्योर क्वान्टिटेटिव वैल्यूज़ है नंबर्स की जबकि ऑर्डिनल नॉमिनल में यू कैन टेल कंप्यूटर इन एसपीएस दैट

वन टू वन टू टाइप करूँगी तो ये हमारा जो है वो लेफ्ट लाइन आ गया और ये राइट right लाइन आ गया जो हमने उधर जाके सेटिंग की थी उनके वेरिएबल के नाम जो हमने वहाँ पे दिए थे आ गए हैं यहाँ पे हमने उसको कहा था कि आप उसको डेसिमल पॉइंट्स दें तो वो टू डेसिमल पॉइंट्स दे रहा है लेकिन अगर मैं इसको जाके यहाँ पे वेरिएबल व्यू में इसके डेसिमल पॉइंट्स खत्म कर दूंगी तो दैट विल जस्ट गिव मी नंबर्स सिमिलरली हियर नाउ यू कैन सी ये जेंडर और फिर टेस्ट स्कोर आ गया सो so व्यू kind of के अंदर टन ऑफ एनालिसिस हैं और टनस ऑफ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज एंड सी वॉट आर दिडन ट्रेयर्स इन ईच ऑफ द मेन्यू पहला हमारा फाइल का मेन्यू है और ये बिल्कुल वर्ड ऑफिस की तरह जैसा आप देखते हैं कि उसमें न्यू फाइल ओपन करनी है या फिर कोई आपने पहले से एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है या फिर इसी तरह इसमें आपका सेव है सेव एज है सेव ऑल डेटा है और इसके अंदर प्रिंट का है और फिर आपकी रिसेंटली यूज फाइल्स यहाँ पे आ रही होती हैं जो अपने डेटा फाइल और दूसरी फाइल्स यूज़ करते हैं इसके अंदर जो अच्छी बात है कि आपकी चार तरह की फाइल्स की ऑप्शन देता है जब आप एस पी एस एस को कहते हैं कि फाइल ओपन करें तो वो पूछता है कि डेटा फाइल ओपन करे या फिर आपकी आउटपुट फाइल ओपन करें सेंटेक्स फाइल ओपन करें या फिर कोई आपका पहले से जो आपने डेटा एक्सपोर्ट करना है स्क्रिप्ट आपका ओपन करे सो so, यूजुअली अगर हमने डेटा फाइल बनाई हुई है तो हम अपना नोमरिक डेटा ही ओपन uh, करते हैं बट समाइम्स सेंटेक्स फाइल की कमांड मैं आपको बताऊंगी कि इट्स रियली गुड स्पेशली वेन वी आर कंडक्टिंग अ रिसर्च और जैसे आप थीसिस करेंगे या रिसर्च पेपर करेंगे तो आपका सारा अनालिस सेंटेक्स फाइल में सेव होता जाता है कि आपने क्या क्या कमांड कैसे कैसे दिए तो वो आपकी एक फ़ाइल सेव हो जाती है और फिर आप अगली दफ़ा उसको रन करके वही आउटपुट ले सकते हैं आउटपुट फाइल बिल्कुल एक सेपरेट विंडो खोलता है और जितने भी एनालिसिस को आप कहते हैं कि रन करें तो वो डेटा फाइल के बाद एक अलग से विंडो खोलेगा जिसको हम आउटपुट विंडो कहते हैं और उसके अंदर वो उन सबके एनालिसिस और कैलकुलेशंस और फाइनल आंसर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं इसी तरह ओपन में भी अगर आपने ऑलरेडी सेव की हुई कोई डेटा फाइल तो आपको पूछेगा कि कौन सी फाइल खोलनी है जस्ट लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर ऑफिस प्रोग्राम जैसे हम खोलते हैं बिल्कुल ये उसी तरह के फंक्शन है उसके बाद हमारा एडिट का मेन्यू है एडिट भी मोर और लेस उसी तरह से है कि इसमें आपका कॉपी पेस्ट है आपका इंसर्ट वेरिएबल है आपका इंसर्ट केसेस है यानी अगर आपने वेरिएबल्स के दरमियान में कोई इंसर्ट करना है तो यू कैन यूज़ इट इंसर्ट केस का भी वैसे ही है और फिर बाकी भी इस तरह ही इसमें मौजूद हैं फिर हमारा व्यू का है व्यू के अंदर भी आप क्या क्या चीज़ें व्यू कर सकते हैं जैसा आपका स्टेटस बार है जो हमें नज़र आ रही है ये हमारी स्टेटस बार होती है अगर मैं इसको व्यू करती हूँ तो ये बेसिकली ये प्रोसेसर इज़ रेडी नीचे आपका दे रहा है आई बी एम प्रोसेसर इज़ रेडी समटाइम्स इट टेक अनालिस टाइम लेते हैं तो फिर वो नीचे फिगर आउट कर देता है कि दे आर लाइक इट्स रनिंग इट्स कैलकुलेटिंग इट्स प्रोसेसिंग फिर आपका टूल बार है ये सारे हमारे ऊपर जो मेन्यू है ये सारा व्यू में नज़र आते हैं अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा इसी तरह आपकी ग्रेड लाइन्स हैं जो कि नज़र आ रही हैं आपके वैल्यू लेबल्स का है कि समटाइम्स अगर मैं वैल्यू लेबल क्लिक करूँगी तो फिर मुझे यहाँ पर मेल फीमेल नज़र आएंगे रादर दैन नंबर्स सो इट्स माई चॉइस कि आई वॉन्ट टू सी के वन मैंने किस को दिया था मेल को या फीमेल को तो आई कैन क्लिक वैल्यू लेबल तो वो मुझे नज़र आ जाएगा इसी तरह डेटा का बहुत यूज़फुल मैन्यू है जिसके अंदर बहुत सारी एडवांस और बेसिक हमारे पास सारी की सारी uh, मौजूद हैं uh, लेकिन आई विल जस्ट फोकस ऑन थ्री फोर क्योंकि आपका प्रलिमिन्री है बेसिक uh, कोर्स है तो आई विल नॉट इन टू मच फैंसी टाइप और वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप थिंग्स रादर वी विल गो सिंपल सिंपल थिंग्स जैसा आपका शॉर्ट केसेस का बड़ा यूज़ होगा सॉर्ट केसेस का मतलब है कि अगर ये फ़र्श करें मेरा वेरिएबल है टेस्ट स्कोर्स तो मैं उसे कहती हूँ कि मुझे सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे तो वो सारे के सारे सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा ये जो अब विंडो पॉप अप हुई है दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट विंडो एज़ यू कैन सी सो जितने भी आपने एनालिसिस रन करने हैं या जो भी आप कमांड देते हैं इट विल गिव यू आंसर इन आउटपुट विंडो इट विल नॉट गिव यू आंसर इन दिस डेटा फाइल सो शॉर्ट केसेस के अलावा इसमें शॉर्ट वेरिएबल्स भी हैं कि अगर आपने इनको सॉर्ट करना है किसी भी तरह कि आप कहते हैं कि पहले मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल आ जाएं या नुमैरिक वेरिएबल आ जाएं आप उनकी वैल्यूज़ के साथ लेबल्स के साथ उनके अल्फ़ाबेट्स के साथ अकॉर्डिंगली उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसी तरह आपका ट्रांसपोज है बड़ी अच्छी कमांड है ट्रांसपोज समटाइम्स हम डायगनल टेबल चाह रहे होते हैं ट्रांसपोज का मतलब है कि वो कॉलम्स को रोज़ बना देता है और रोज़ को कॉलम्स बना देता है विच इज़ अ वेरी गुड फीचर स्पेशली जब हमने Uh, जैसे हम को रिलेशन समाइम्स करते हैं मोर देन टू वेरिएबल्स के साथ तो समटाइम्स इट्स रियली यूजफुल फिर मर्ज फाइल्स हैं कि अगर आपके पास किसी दूसरी फाइल में डेटा मौजूद है तो आप वहाँ से लेके उसको मर्ज कर सकते हैं वी विल प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स वंस वी रियली गेट सम गुड डेटा एंड वी विल रन सम एक्सरसाइज हियर इसके अलावा स्प्लिट फाइल है स्प्लिट फाइल की कमांड भी ज़बरदस्त है कि अगर आपने फर्ज करें कि मैं चाहती हूँ कि मेल और फीमेल के लिए मेरा सेपरेट एनालिसिस आए तो मैं उसे कहूँगी कि कंपेयर ग्रुप्स कर दे जेंडर वाइज सो अब ये जो मुझे एनालिसिस देगा आउटपुट फाइल में इट विल गिव मी सेपरेट एनालिसिस फॉर मेल्स एंड सेपरेट एनालिसिस फॉर फीमेल्स सो इट विल स्प्लिट द फाइल्स आउटपुट फाइल्स एज पर वट एवर वेरिएबल और कमांड आई विल एंटर है सो ये उसके मुताबिक उसको कर देगा स्प्लिट दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल कमांड वैन वी विल रन द एनालिसिस यू विल सी हाउ फैंसी इट इज इसके अलावा सिलेक्ट केसेस हैं ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड इट मेक्स योर लाइफ मच ईजी क्योंकि समटाइम्स हम लोग सिर्फ अनालिस जान करना चाहते हैं कि जी जो लोग जैसा फर्श करें मैंने किया है एनालिसिस और टेस्ट आपका लिया है वर हंड्रेड स्टूडेंट्स आई गेव यू सम समटिस्टिकल असाइनमेंट एंड आई वॉन्ट टू यू नो एनालाइज पीपल ओनली हु गॉट मोर देन सेवन मार्क्स आउट ऑफ टेन आई डोंट वॉन्ट इंक्लूड पीपल हु गॉट लेसर देन सेवन मार्क्स तो ये सिलेक्ट केसेज में जाके आई कैन टेल द कम्प्यूटर कि सिर्फ वही केसेस सेलेक्ट करें जो कि सात से ऊपर हैं ये मसला और ये टेस्ट स्कोरस हैं और मैं इसको कहूँगी टेस्ट स्कोर शुड भी ग्रेटर दैन पर सेवन तो वो उन्ही को सिलेक्ट कर लेगा और बाकियों को डी सेलेक्ट कर देगा विच इज़ रियली रियली वेरी कूड फीचर एस पी एस एस क्योंकि एज अ रिसर्चर साइंटिस्ट यू सी के समटाइम्स यू रियली चॉप द डेटा स्लाइस द डेटा थि एंड सी सम वेरी एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ सेट ऑफ़ डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो इट इज़ हेल्पफुल इन दैट वे इसी तरह उसके बाद ट्रांसफॉर्म का है मेन्यू और इसके अंदर भी आ, आपका कंप्यूट वेरिएबल जैसा आप कंप्यूट करते हैं मैनुअली करते हैं और आप सीखेंगे भी आपने फर्स्ट करें एक क्वेश्चन है आपका जॉब सेटिसफेक्शन का एंड यू हैव टेन क्वेश्चन इन दैट एंड एक्चुअली यू वॉन्ट द टोटल स्कोर ऑफ जॉब सेटिसफेक्शन तो आप यहाँ पर करेंगे कि क्वेश्चन वन प्लस क्वेश्चन टू प्लस क्वेश्चन थ्री एंड इट विल गिव यू अम्पोजिट स्कोर ऑफ द ऑल द क्वेश्चन ईयर जो भी आपके तीस क्वेश्चन हैं फोर्टी हैं फिफ्टी हैं वॉट एवर सो यू कैन कम्प्यूट द वेरिएबल हयर उसके बाद री कोड बहुत जबरदस्त कमांड है री कोड का मतलब है कि सम टाइम्स आप साइकोलॉजी के अंदर यू कलेक्ट डेटा यू आस्कर्सन इफ ही इज हैप्पी ऑन अ फाइव पॉइंट स्केल इन द वेरी नेक्स्ट और सम क्वेश्चन आर रिवर्स कोडेड जैसा आप अगले में पूछते हैं कि यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी सैड वन टू फाइव पॉइंट स्केल पे अगेन रेट करें तो अब वो क्वेश्चन आप एक ही पूछ रहे हैं बट आप रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहे हैं सो यू कैन री कोड द डेटा बाई यू नो री कोडिंग इन टू अर डिफरेंट वेरिएबल जैसे आप उसमें कहेंगे कि मसलन जेंडर अगर फर्स करें यहाँ पे है तो आप उसे कहेंगे कि न्यू वेरिएबल कैलकुलेट करें और ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज आप यहाँ पे बता देते हैं कि अगर वो फाइव था तो उसको वन कर दे और वन था तो फाइव कर दे इसी तरह उस पूरे स्केल को आप रिवर्स कर देते हैं एंड दैट ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल क्योंकि फिर आपको खुद से उसको करने की ज़रूरत नहीं है एक एडवाइस यहाँ पे है कि इसमें रिकोड इन टू सेम वेरिएबल भी दिया हुआ है और रिकोड इन टू डिफरेंट वेरिएबल भी दिया हुआ है सो आई विल सजेस्ट कि वे यू आर रिकॉर्डिंग एनी क्वेश्चन और एनी वेरिएबल यूज़ रिकॉर्ड इन टू डिफरेंट वेरिएबल कमान क्यों क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है हमें याद ही नहीं रहता हमने इसको रिकॉर्ड किया था या नहीं किया था या कौन सा वाला वेरिएबल ठीक है क्योंकि व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चन एयर वी थॉट के ओ ये तो रिवर्स में पूछा गया है सो इट्स बेटर टू यूज़ दिस कमांड इसी तरह इसमें और कौन सी है रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है कि अगर डेटा में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो आप उसको चाहते हैं कि एवरेज वैल्यू से फिलअप कर दें या कोई भी ऐसी वैल्यू से तो ये उसको सारी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है इसके बाद एनालाइज का जो है दैट इज द होल स्टेटिस्टिक्स वेदर इट्स अंडर ग्रेड लेवल और इट्स अ ग्रेजुएट लेवल ऑल द टेस्ट एंड द एनालिसिस एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज यू नो हिडन इन दिस ट्रेयर विच इज़ अनालाइज मैन्यू और इसमें आपके जो पहले uh, इतने सारे चैप्टर्स हैं मई ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माइर्स ऑफ डिस्पर्शन Uh, वो सारे के सारे ये एक डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके हिडन है जिसमें आप जाके सारे मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड एवियशन कर्टोसिस क्यूनेस एवरी थिंग यू कैन कैलकुलेट जस्ट बाय अ सिंगल क्लिक बट वी विल डेफिनेटली डू इट बाई हैंड एज वेल सो यू बेटर अंडरस्टैंड कि क्या है सो so इसके अंदर आपके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं आपके टेबल सारे के सारे आपके ग्राफ सारे ग्राफ्स का मेखा से अलग से मैन्यू है यू कैन कंपेयर मीन्स जैसा आप देख रहे हैं वन साम्पल टी टेस्ट इंडिपेंडेंट पेयर सैम्पल वन वे नोवा जनरल लीनियर मॉडल आपका है यूनी वेरियट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनालिसिस आर हियर एंड दिस इज एक्चुअली द ट्रेयर इन एस पी एस एस और इसके अलावा एक ग्राफ्स वाला मेन्यू है जिसमें आप हर तरह का ग्राफ और चार्ट बना सकते हैं यू कैन सी के इसके अंदर जितने भी एडवांस चार्ट्स हैं ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे बार चार्ट लाइन एरिया पाए ये भी हम हैंड से भी करेंगे एंड देन वी विल डू इट एन एस पी एस एस ऑल्सोल इट इज बाकी एड्स ऑन है आप कुछ प्लग इन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के कुछ एस पी एस एस के ऐसे फीचर्स हैं uh, जो कि आपको अलग से एक्सटेंशन एड ऑन करने पड़ते हैं वो भी कर सकते हैं अब ये जो सारे सिम्बल्स बने हुए हैं ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं ये सारे के सारे उन मेन्यूज में हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं उन्हीं के ही सबके शॉर्ट कट्स हैं सो यू डोंट हैव टू टू गो द मेन मैन्यू ड्रैक डाउन और फिर डीप डाउन आप जाके कोई भी कमांड सेलेक्ट करें जो मोस्टली यूज कमांड्स हैं आपकी एस पी एस एस के अंदर वो सारा उन्होंने दे दिया मसलन ये आपका है कि आपका जो रिसेंट फोल्डर है उसी के अंदर वो चीज़ें सेव करता जाएगा जिसके अंदर आपने एस पी एस एस की फाइल सेव की हैं ये आपका सेव कमांड है ये प्रिंट कमांड है ये ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट टेन एनालिसिस आपने रन किए हैं दे आर हिडन हियर जैसा मैंने अभी फिलहाल शॉर्ट केसेस किया था तो वो इसके अंदर है लेकिन मैंने जो प्रीवियसली जो भी एनालिसिस किए हैं दे विल बी हीयर एंड यू डोंट हैव टू गो बैक अगर आपने एक कोई टेस्ट लगाया है तो यू डोंट नीड टू गो बैक टू एनालाइज़ डिस्क्रिप्टिव एंड देन रादर इट विल बी हियर सो लास्ट टेन अनालिस आपके इसके अंदर आते हैं ये आपका अन डू का है और री डू का है समटाइम्स यू जस्ट टाइप एंड मिस्टेकनलीट्स ऑल्सो ईजी स्टेप उसके बाद आपका गो टू केस नंबर है आपका अगर डेटा फाइल बहुत लंबी है एंड इट हैज थाउजेंड ऑफ़ वेरिएबल एंड थाउजेंड ऑफ़ केसेज तो आप इसमें एग्जैक्टली exactly जा सकते हैं कि गो टू केस नंबर दिस एंड आप उसके एक्जैक्टली उस पर चला जाएगा सो so मैं कहती हूँ कि तीसरे नंबर पे जो मेरा केस है उसके ऊपर चला जाए तो इट विल गो टू दैट हियर सो दैट्स कॉल थर्ड मेरा ये केस है क्योंकि ये जो हमारी रोज हैं दीज आर पार्टिसिपेंट्स और ये जो हमारे कॉलम्स हैं दे आर द वेरिएबल्स फिर आपका गो टू वेरिएबल भी इसी तरह हो सकता है मसलन आपकी डेटा फाइल में टनस ऑफ वेरिएबल्स हैं एंड यू डोंट नीड टू स्क्रोल फ्राम हीयर रादर यू कैन आस्क अगर मेरा कोई वेरिएबल है तो वहाँ जाए तो वहाँ चला जाएगा इसी तरह आपका ये भी हमने उसमें मेन्यू uh, में ऑलरेडी देखा है आपके वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसमें कितने इंडिविजुअल्स हैं क्या इसकी मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं सो यू कैन गेट अ समरी ऑफ ईच वेरिएबल बाई क्लिकिंग दिस वन वेरिएबल इंफॉर्मेशन फिर इसके बाद आपकी ये भी सारे शॉर्टकट्स ही हैं जो हमने ऑलरेडी उसमें मेन्यूज में देख लिए हुआ है So this is pretty much basic introduction about SPSS. Uh, it has a data view and it has a variable view and it has a lot of analysis hidden in it. As we just one by one we clicked every uh, drag down menu or smearik meam, so we you know orient ourselves with the SPSS. Like, uh, in slidescope, but I have explained everything, and you can use these slides at handouts as well. लेकिन इसके अलावा भी आई विल प्रोवाइड यू हैंड आउट सो वेयर एवर यू आर स्टक तो आपको पता चल जाए कि हर मेन्यू में या हर आइकन का क्या मतलब था जैसा जब हम ओपन करेंगे एस पी एस एस तो इट विल लुक लाइक दिस और फिर ये हमारा इस तरह जब हम डेटा डालते हैं तो हमारी इस तरह की फ़ाइल हमें नज़र आएगी उसके बाद हमने उसमें डेटा व्यू वेरिएबल व्यू और आउटपुट फाइल्स हमने देखी भी और बात भी की सो वॉट इज़ इन ईच व्यू ये हमारा वेरिएबल uh, व्यू है जिसमें हमने बात की थी कि उसका नाम हम ऐड करते हैं उसकी टाइप ऐड करते हैं उसकी विर्थ सेट करते हैं लेबल लंबा वाला देते हैं और फिर उसका वी कैन डिफाइन द वैल्यूज़ एंड देन मिसिंग वैल्यूज़ हम करके उसको बता सकते हैं कि अल्टीमेटली क्या चीज़ है एंड सिमिलरली दिस इज़ द डेटा व्यू जिसके अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर नाम आ रहे हैं और हमने उसके अंदर हर एक के लिए वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ़ आउटपुट फाइल जैसा हम जब अनालिस रन करते हैं तो हमारी हमेशा जवाब जो, है, जो analysis हैं जो अनालिस एंड द काम आउटपुट फाइल एंड इट लुक्स लाइक दिस और हमने वहाँ देखी भी है जब ख़ुद से रन की है दिस इज सिंटक्स फाइल जब हम कोई अनालिस रन करते हैं और हम उसको पेस्ट करते हैं तो वो सारे का सारा सिंटक्स फाइल में इस तरह से हो जाता है शायद आपको पता हो कि जब पहले हमारे पास कंप्यूटर्स थे और जैसा आपका आर सॉफ्टवेयर है Uh, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंड आई पर्सनली लाइक आर वेरी मच क्योंकि उसके अंदर आप अपनी सिंटेक्स फाइल ख़ुद लिखते हैं लेकिन एस पी एस एस इज़ मोर एफिशियंट वाई बिकॉज यू डोंट नीड टू यू नो राइट ऑल दैट सेंटेक्स फाइल बल्कि आप पेस्ट करते हैं तो वो पीछे उसकी सिंटेक्स ऑलरेडी पेस्ट हो जाती है कि इस तरह से ये एनालिसिस रन हुआ है और इस तरह से इसका ये आंसर आया है अगेन दिस इज़ वेरिएबल व्यू और उसके अंदर फिर ये मैंने हर एक को एक्सप्लेन कर दिया है कि नेम uh, का मतलब आप कैसा उसका नाम कर सकते हैं कितना कर सकते हैं उसका टाइप उसकी वेर्थ उसका डेसिमल कितने लेवल तक आप किस वेरिएबल में और किस टाइप में करेंगे उसका लेबल उसकी वैल्यूज़ और फिर उसके बाद उसकी मिसिंग वैल्यूज एंड देन कॉलम वेर्थ एंड देन उसकी अलाइनमेंट राइट और लेफ्ट और फिर उसका मैयर आपका स्केल कौन सा होगा नॉमिनल ऑर्डिनल और स्केल जिसको हम इंटरवल रेशो दोनों कहते हैं so this is just for you because I have explained it so if you are just confused or struggling के किस्मे क्या था तो you can print it out and keep it to you and it will you know be good source isi tarah आपके uh, हमने जब entering variable किया उसका भी मैंने इसमें explain कर दिया है कि जो हमने actual पिछले lecture में run करके खुद देखा है लेबल uh, और उसकी वैल्यूज हमने कैसे साइन की जेंडर में वन कैसे दिया मेल को और फीमेल को टू कैसे दिया आई हैव रिटर्न इट डाउन यर फॉर यू और फिर उसके मयस कैसे हम पिक करते हैं नैक्स्ट वी विल जस्ट दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी स्मॉल वन विद फाइव आइटम्स एंड वी विलो एड दिस इंफॉर्मेशन इन टू द डेटा शीट एंड वी विल सी हाउ वी कैन रन द एनालिस